हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो कहिए, आप पूर्णिमा मेला या पिपरा घाट मेला दोनों एक ही है। तो आज हम आ गए हैं पिपरा घाट का, ये पुला है और ये कमला नदी है जो कि यहाँ पे मेला लगने वाली है दो दिन के बाद। तो आज हम इसी को कवर करने के आए हैं, जो क्या क्या तैयारियाँ है इस मेला में। तो आज हम इसी को दिखाएंगे कि अगर आप मेला देखने के लिए आए चाहे ना आए, अगर आप मेला देखने के लिए आएंगे तो कहाँ पे क्या चीज़ है, आपको इस वीडियो से सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो आज हम उसी को कवर करने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस मेला में क्या क्या चीज़ का सुविधा है और सारा कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ देख सकते हैं इस पुला पे दोनों तरफ आपको दुकानें रहेगी उस दिन, जो कि अभी भी फिलहाल ये लोग अपना अपना जगह को कवर कर लिए हैं और यहाँ पर दुकान अभी लगना शुरू हो चुका है। तो आगे चलेंगे, यहाँ इधर आपको मूर्ति बैठेगी और इधर ही मूर्ति का पंडाल बना हुआ है और इधर ही सारा चीज़ झूला उला लगा हुआ है। आज ही चलते हैं हम आगे और दिखाते हैं आपको। और यहाँ के इस मेला में आप देख सकते हैं, यहाँ के इस मेला में आपको तेल पत्ता का बहुत ही ज़्यादा बिक्री होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ यहाँ पे पूरा दुकानें सज गई है तेल पत्ता का। और यही है आपको सीधा रास्ता और फिलहाल एक नया रोड ये बनाया है। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे आगे क्या है। तो देख सकते हैं ये जो नया रोड बना है, आपको इस तरफ आपको झूला सब शिफ्ट कर दिया है और यही नदी है जो लोग स्नान करने के लिए जाएंगे। और वहाँ पे छोटा सा एक टेंट टाइप से भी बनाया गया है और यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं उसको, यज्ञ सब हो रहा है। और चलिए आगे देखते हैं, इधर पूरा दुकान सब सज रही है और अभी कुछ दुकान लगना, बहुत सारी दुकान लगना अभी बाकी है और बहुत सारी दुकानें अभी लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये सब दुकानें अभी सजना शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइने में यहाँ से लेके वहाँ तक दुकानें लग रही है। और ये है मेन रोड, जो कि पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा दुकानें एक तरफ से लग चुकी है। तो होता क्या है, जो मेन रोड में ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण इधर शिफ्ट किया गया है दुकानें सबको और सारी। तो दुकान तो यहाँ पे बहुत सारी लगती है और मेला एक ही दिन का होता है तो भी इतना सारा दुकान लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना भीड़ आता है। और फिर इसी मेला में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ड्रैगन झूला की तैयारी हो रही है और यहाँ पर ब्रेक डांस की तैयारी हो रही है। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टावर झूला की और वहाँ पे एक नाव वाले की तैयारी हो रही है। तो ये सब अभी चल रही है, दो दिन अभी मेला का समय है तो तब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से मेला सब अभी देख रहे हैं लगना शुरू हो चुकी है, अभी कुछ कुछ तैयारियाँ बाकी है वो सब हो रहा है। तो चलिए देखते हुए चलते हैं आगे की ओर। और इधर ही मेन कमेटी का जो मूर्ति का जो पंडाल बनता है वो इधर ही बनता है, तो चलिए देखते हैं आगे। Close your eyes. और देखिए इसी मेला पे ये जो सामने से जो पिकअप आ रही है ये पूरा तेलपत्ता से भरा हुआ है और ये इसी मेला पे उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सेलिंग होता है जिसका जवाब नहीं है, भरपूर यहाँ पे सेलिंग है। आप देख सकते हैं यही है पूजा का पंडाल जिसपे आपको मूर्ति का बैठक होते हैं, जो कि आपको यहाँ के कोर कमेटी आरती का अभिनंदन कर रही है और भरपूर तैयारियाँ चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने में साउंड वाले भैया भी एकदम सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं सारा कुछ। और ये चौक अभी पूरे तैयारियाँ में चल रही है, भरपूर मेला का तैयारी चल रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी और सारा भी झूला लगा है वो भी हम आपको दिखाएँगे। और ये मेला लगभग नहीं कुछ तो आपको 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के कवर करता है, यानी कि इतनी लंबे चौड़े रोड में ये मेला का आयोजन रहता है। तो चलिए देखते हैं आगे। और इसी मेला के थोड़ी ही दूर करने का मतलब 1 किलोमीटर के दूर पे ये मेला आपको अमोला गाछी के नाम से जाना जाता है, जो उसी के दिन मेला का आयोजन होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सामने में ड्रैगन झूला और नाव वाली झूला जो बड़ी सी है वो लग रही है। और इसी बगल के ऊंचाई पे एक स्टेज बन रही है। अब यहाँ पर क्या प्रोग्राम है चलिए भाई से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर उस दिन का प्रोग्राम रहेगा, डे में रहेगा या नाइट में रहेगा, वो चीज़ जानेंगे। तो भाई साहब से यहाँ पर पूछे हैं तो बोले हैं जो यहाँ पर दो दिन का प्रोग्राम है, और दो दिन अभी क्या है ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि ये तो अपना काम कर रहे थे, वो बताएंगे कमेटी मेंबर। वैसे कह सकते हैं कि दो दिन का प्रोग्राम है और इतनी बड़ी मेला में कुछ अच्छा ही प्रोग्राम होगा, तो इसकी जानकारी अभी हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हम कमेटी का कोई
आदमी भी नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं आगे, चलिए कवर करते हैं और आगे। तो चलिए सारा कुछ दिखाएं और हम आपको एक चीज़ की जानकारी दे दूं, ये मेला आपको 8 तारीख के दिन जो मंगलवार पड़ेगी उस दिन ये मेला रहेगा। तो आइए आप लोग यहाँ पे घूमिए, मस्ती कीजिए, सारा चीज़ आपको हम दिखाएं कहाँ पे क्या व्यवस्था है। अभी बहुत सारी दुकानें लगना शुरू हो चुके हैं।